वन प्लस नोट 3 फ़ोन था भाई, वो 4 महीने हो गए थे। न्यू मालूम प्राइवेट पार्ट कति हड़काड़ का बच्चा है और लगातार 1 महीने तक परेशान भाई। फिलहाल बॉम्ब की दरिया पाटा है जिसके मतलब मेरा पैर इतना फाड़ दिया कि जो ये साइड की हड्डी थी ना ये भी दिख रही थी। बड़ा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू गुबाणा की राम नाम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल भाई मैं अपने गाँव गुबाणा में खड़ा हूँ और भाई एक बड़ी अजीब घटना सामने आई भाई। आप सब ने मेरा कि फ़ोन शायद एक 4 साल का बच्चा भी आज के दिन फ़ोन यूज करे भाई, और फ़ोन भाई फ़ायदेमंद भी है नुकसानदायक भी है। और इस फ़ोन ने एक भाई की आस्ती खेलती जिंदगी में भाई जन सैलाब ला दिया। दिखावांगे भाई आपने उस भाई की क्या हालत कर दी फ़ोन ने। उस भाई तो पूरी घटना के बारे में नहीं पूछांगे अके इस फ़ोन से ही होया है कोई और दिक्कत होगी थी तो एक बार भाई तो बात करवाएंगे। ऐसे तो पहला भाई कितका है और भाई उसकी हालत देख के बताइए आप कि एक फ़ोन यो हाल भी कर सके है जिसने हम रोज़ यूज करा हाँ। और वन प्लस का फ़ोन है भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। एक बार मैंने को वहाँ गा के भाई दिखा दे भाई, ये थोड़ा देखो भाई, यो देख लो भाई, थोड़ा इंगे रोजे भाई सब यो देख लो भाई। न्यू मान लो प्राइवेट पार्ट कति हड़काड़ का बच्चा है और लगातार 1 महीने तक परेशान भाई। फिलहाल डॉक्टर की दुकान में लौट रहा भाई। भाई इस तो बात करवाएंगे क्योंकि फ़ोन पाटा भाई मेन वजह है फ़ोन पाटने की वन प्लस का फ़ोन था। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई कहाँ था हो भाई? मेरा गांव गंगड़वा है भाई। तो भाई साहब क्यूकर की घटना हुई, कौन सा फ़ोन था, कौन सी कंपनी का और किस जाओ थे जो है घटना हुई? भाई वन प्लस नोट 3 फ़ोन था भाई, वो 4 महीने हो गए थे, 5वां लग रहा था, गारंटी पीरियड में था भाई, बिल्कुल अनटच मतलब नया पीस था यो और कम यूज हम तो बस चलावे हैं भाई, ऐसे फ़ोन कम में चला सके हैं तो भाई कम यूज फ़ोन था। और यो भाई मैं ड्यूटी कर के आ रहा था, कैर गांव में मतलब डिपो है क्लस्टर बस का, मैं बस ड्राइवर हूँ भाई, विजेंद्र नाम है वैसे काला का वह है भाई। मैं ड्यूटी करके डबल कराया करता उस दिन, मेरी धरन डिग गई थी, पेट में तकलीफ थी, तो मैं सिंगल करके घर आ रहा था दोपहर 12:30 बजे करीबन बात है यो भाई। मैं आ गया था कैर गांव से, एक खेड़ा मंदिर है वो क्रॉस मैंने कर लिया था, तो भाई बाइक ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, 40-35 की स्पीड है भाई, फोन एकदम ब्लास्ट हो गया, चलती मोटरसाइकिल में चलती बाइक में एकदम ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण मैं घबरा के एकदम अनबैलेंस हो के और बाइक गिर गई, मेरा दीवार में सर लगा और मेरा मुंह भी फट गया, मतलब सर भी स्क्रैच वगैरह आ गई थी, हाथ में भी चोट गहरी, अभी दर्द थोड़ा कम हुआ है इलाज कारण। तो भाई मैं वहाँ हो गया मतलब बेसुध हो गया, बेहोश टाइप, मतलब इतना काम हो गया था कि मैं बेहोश टाइप हो गया था। तो भाई मेरा इतना मतलब वो हो गया था कि मैं अपने कपड़ों में आग लग गई थी, मैं बुझाने के भी लायक नहीं था, हाँ मतलब इतना तगड़ा हादसा था। तो भाई पीछे उस दिन 21 तारीख थी, कौन से महीने की यो था, 9वां महीना 21 तारीख, सितंबर का महीना था, हाँ 9वां महीना 21 तारीख 12:30 बजे करीबन टाइम था। तो भाई उस दिन छठ थी बाबा हरिदास की झाड़ोदा, तो वो रोड ऐसा ही है भाई, कोई बंदा पता ना अब भी आ जा 2 घंटे भी लग जा, मतलब चलने वाला कम ही रोड है वो। तो भाई पीछे से कोई आया, मैंने उसको इशारा किया, मतलब भाई मरता आदमी क्या ना करता, तो भाई उसने बाइक रोकी और उसने मेरे कपड़े पे रेत वगैरह फेंक के आग बुझाई है। और भाई फिर पीसीआर कॉल हुई है, पीसीआर कॉल भाई उसने पूछा मेरे से कहाँ से है भाई, मैंने भाई मतलब थोड़ा हा दर्द तो था ही, जबान तो तड़ाते हुए बोल दिया कि भाई मैं गंगड़वा गांव और काला नाम है मेरा और मैं यहाँ ड्यूटी करके आया था भाई, ऐसे ऐसे होगा। उसने भाई नंबर पूछ के गांव में फ़ोन किया मेरे भाई के पास और घर वाले गए हैं तब जाफरपुर हॉस्पिटल लेके गए हैं और तब उन्होंने रेफर कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल,
सफदरजंग में भाई ज़्यादा दूर था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई बहादुरगढ़ इलाज करा लेंगे, घर के नज़दीक होंगे, घर के भी परेशान नहीं होंगे और मैं भी नहीं होऊंगा। तो भाई वहाँ से दिल्ली नर्सिंग होम हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ, उन्होंने मेरा इलाज भी गलत कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने क्या किया, जो पट्टी सफदरजंग वालों ने जड़े की होती है, जो जड़े की पट्टी दवाई लगाते हैं, वो उन्होंने जो लगाई थी दिल्ली नर्सिंग होम वाले ने वो खोल दी और ऐसे ही दवाई लगा के और बस इंजेक्शन और ग्लूकोस, इंजेक्शन ग्लूकोस, ये ट्रीटमेंट किया, जिसके कारण ये जड़े हुए का इलाज नहीं था और मेरे ये भारी परत आ गई, जिसमें मैं चलने में भी नाकाम हो गया था, पैर उठना ही बंद हो गया था। एक हफ्ता दिल्ली नर्सिंग होम में रहा, फिर 4-5 दिन में मैं जीवन ज्योति में ऑपरेशन हुआ मेरा भाई। अच्छा, फोन ने कितने दिन हो गए थे ले? फोन ने भाई 4 महीने हुए थे, 5वां लग रहा था। अच्छा, पूरा दिन यूज करे आपने, जैसे ड्राइवर होते हो गाड़ी में म्यूजिक वगैरह या कुछ उसके अलावा साथ साथ कुछ? नहीं, म्यूजिक तो नहीं चलाते भाई, क्यों, शौक ही नहीं है ये। और बस सारा दिन में 2 कॉल करी थी मैंने। अच्छा। हाँ, कि मैं घर आ रहा हूँ, घर वाली से फ़ोन किया कि रोटी बना ले, मैं चल पड़ा डिपो से, बस ये 2 कॉल हुई थी, नहीं तो कोई कॉल भी नहीं हुई थी, कम यूज फ़ोन था, मतलब तो एकदम ब्लास्ट हो गया, एकदम बॉम्ब की दरिया पाटा है, जिसके मतलब मेरा पैर इतना फाड़ दिया कि जो ये साइड की हड्डी थी ना, ये भी दिख रही थी बाहर। अच्छा, ये 2 महीने करीब होगी शायद, बता। हाँ, 21 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे भाई। तो FIR वगैरह कटवा दी तो फ़ोन कहाँ? FIR फ़ोन मेरा है भाई जाफरपुर थाना में, IO के पास जमा है, मेरा सील कर दिया फ़ोन, मेरी ड्रेस भी और फ़ोन भी। अच्छा, कंपनी वगैरह तो कुछ बात हुई हो? कंपनी से भाई बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि FIR की कॉपी और मेडिकल के पेपर की कॉपी और फ़ोन एक बार कस्टमर केयर में दिखा दो, और जो वो पेपर है वे व्हाट्सअप कर दो FIR की या मेडिकल की, जो भी आप कार जाना वो कंपनी भरेगी। आज तक तो फिर मतलब 4-5 दिन फोन आया बस, फिर बाद में कोई रिस्पांस नहीं, मैं परेशान हो रहा हूँ। और भाई वकील से बात हो गया, मैंने केस डाल दिया है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे सारे केयर में जमा करवा दिए? नहीं, मैंने नहीं किया, वकील से बात हुई, वकील बोला भाई अब तो हम कोर्ट में ही पेश करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, इलाज कहाँ चल रहा है आपका भाई? अब तो ये एक अपना जानकार फैमिली डॉक्टर टाइप है अपना जस्सू भाई साहब, हॉस्पिटल से आके मैं तो यहीं, वहाँ पैसा मेरा भाई पैसे है भी नहीं इलाज के, ये भाई साहब फ्री में पट्टी कर देते हैं, इससे बस ये मेहरबानी है, कम से कम 20 पट्टी ये इन्होंने की है। और एक हफ्ता मैं दिल्ली नर्सिंग होम में रहा और भाई 4 दिन रहा जीवन ज्योति में, फिर मैं घर आ गया। शादी हो रही है भाई, 22 साल हो गए शादी को। क्या बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, 1 12वीं में, 1 9वीं क्लास में लड़की है। कमाने वाले आपको घर में? बस भाई मेरे ही कारण घर चल रहा है, दाल रोटी जो भी है मेरे ही कारण चल रही है। 2 महीने से वे भी बंद है। तो भाई अब बात कराएंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब लगातार 1 महीने से शायद इनका इलाज कर रहे हैं। राम राम डॉक्टर साहब। हाँ राम राम भाई। तो भाई साहब गल जो यह हादसा होया है तो लगातार आपके पास आने लग रहे हैं, के लागा अपने के दिक्कत है? हो जाएगा भाई, 25-30% ठीक हो लिया यो, क्योंकि थोड़ी दवाई चेंज करी। अच्छा। पट्टी तो न जाने है मिठू भाई अगर कोई अपने ताकत हो जाएगा भाई, महीना 1-1.5 महीना लगेगा। अच्छा, मतलब हो जाएगा पक्का इलाज? हाँ इलाज हो जाएगा भाई, आराम हो जाएगा, पर टाइम लगेगा इसमें। अच्छा। क्यों, चमड़ी बर्न होगी, बर्न हो पाचत वह भाई धीरे धीरे आओगी, हो जाएगा। नहीं भाई ने मदद दे रहा है कोई भाई, और धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाई अपना मेन मकसद था इस भाई की हालत दिखाने का, ना तो हमने कंपनी तो कोई मतलब है उसकी भाई हम वैल्यू डाउन करा, ना हमने भाई एक बंदे थे भाई आके इस भाई का जो घटना हुई ना भाई, देखो बंदा हर एक बंदा फ़ोन रखा भाई अपनी जेब में, और भाई जो यंग एज के बच्चे हैं भाई वो तो सराहना लेके सो रहे थे ना भाई, 24 घंटे फ़ोन पड़े रहे हैं। तो फ़ोन का नतीजा देख लो आज, एक बार का आगे फिर दिखा दे भाई, जो फ़ोन का नतीजा है लगातार, नहीं मान लो 2 महीने इस भाई की हालत हो रही है।
अरे तो फ्री का इलाज है मान लो घर में कमानिया यो एक का बंदा है इसकी या हालत हो रही है तो मारा कंपनी तो सिर्फ एक का बात कहनी है फोन हम भी यूज करा भाई फोन हर बंदा यूज करा है अगर सब गल या दुर्घटना होने लगी तो भाई कौन फोन यूज करेगा भाई तो कंपनी सिर्फ एक का रिक्वेस्ट हमारी जल्दी जल्दी इस बाइक का जो भी अर्जाना है वो भरो भाई चाहे वो इसके फ़ोन का हो चाहे जो इसके इलाज का हो और जो फैमिली में जो भाई कुछ भी दिक्कत आई है उसका हो भाई डॉक्टर साहब भाई फ्री कराए सब कुछ भाई इनका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बाइक का जो इलाज टेम सर होने लग रहा है तो जितने भाई भी इस वीडियो में देखा है उन खातर जरूर शेयर करियो जो फ़ोन चला हुआ है बाइक का तो फ़ोन बंद था जेब में गा के ड्यूटी पर ताड़ लग रहे थे इतने में ब्लास्ट हो गया भाई तो भाई देख लो फोन ना करना माँ आप सब रखो हो तो जितने भाई भी इस वीडियो देखने लगे साथ के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ भाई किसे भाई का पहला भी हुआ है ऐसा यो हादसा होया होता है एक बार कमेंट जरूर करके बता दियो भाई अगर इसका के इलाज करवाया था फिर कितना करवाया था भाई तो इसे है जय हरियाणा और जय हरियाणा भी।